विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मीर कथ्यता इदमहमन्वृतात्सत्यमुपैमे शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति तो कल हमने पढ़ा था कि महाराजा दशरथ श्री राम को एक रात्रि के लिए रोकना चाहते हैं और श्री राम कह रहे हैं कि एक रात्रि तो क्या एक क्षण के लिए भी मुझे रुकना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए आप अपने शोक को धारण करके और मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए क्योंकि नहीं मैं अस्थि विपर्य मेरा निर्णय अभी इससे उल्टा नहीं हो सकता इससे विपरीत निर्णय नहीं हो सकता है मेरा क्योंकि माता कई कई ने मेरे को कहा था मेरे से याचना की थी कि तुम वन में चले जाओ और मैंने उनको वचन दिया था मायाचे उत्तम व्रजामी थी तत् सत्यम अनुपालयेत मैंने कहा था कि ठीक है मैं चला जाता हूँ तो उस सत्य का पालन करते हुए मुझे आज ही आज ही नहीं बल्कि अभी वन में चले जाना चाहिए क्योंकि जो वचन दिया उसका पालन करना और उसी समय पालन करना ये सज्जनों का लक्षण होता है मतलब कालांतर में भी कर लेते हैं कुछ लोग बाद में तो अकल आती है जीवन की तो जो माता पिता गुरुजन आज कह रहे हैं तो वो बड़े होकर के तो कर ही लेंगे मतलब जब आप गुरु बनेंगे या फिर संसार की दृष्टि से देखें तो जो माता पिता अपने बच्चों को कह रहे हैं वो बच्चे जब माता पिता बनेंगे तो तब तो उनको वो भी वही भाषा बोलेंगे जो आज उनके माता पिता बोल रहे हैं लेकिन समय जाने के बाद धर्म याद आई तो फिर किसी काम का नहीं है खेती सुख जाने के बाद बारिश आई तो किसी काम की नहीं है तो उसी समय पे करना चाहिए वचन का पालन और श्रद्धा से करना चाहिए तो श्री राम कह रहे हैं कि मैं आज ही इसका पालन करूंगा तो ये हम पढ़ रहे हैं आपको पीछे से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कोई प्रश्न है किसी का पीछे से जी बोलिए माइक दे दो पीछे प्रणाम दीदी जैसा आपने बताया कि जब राम श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं तो दशरथ जी उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये जो उनका प्रयत्न है वो मोहवश है अपने पुत्र के प्रति या फिर वे जानते हैं कि धर्म मतलब वो वो धर्म तो वो भी जानते हैं कि उन्हें नहीं रुक रोकना चाहिए फिर भी वे रोक रहे हैं तो ये मोहवश है या फिर उनकी परीक्षा ले रहे हैं ना ना पक्का मोहवश है मोह के कारण कई बार व्यक्ति धर्म को तो जानता है लेकिन उसके अंदर कभी राग होता है कभी द्वेष होता है कभी मोह होता है तो उसके कारण वो धर्म का पालन कर नहीं पाता है तो यद्यपि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, सब धर्म की बातें जानते भी हैं लेकिन मोह एक दोष है इनके अंदर तो मोह के कारण ही ऐसे करते हैं और कोई प्रश्न क्यों नो no क्वेश्चन क्यों प्रश्न क्यों नहीं उठते है? जो कहा जाता है यहां वो सब घटित हो रहा है क्या आपके जीवन में तो कल से आपको सबको एक एक प्रश्न अपना खोज करके लाना है कोई भी प्रश्न क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं अभी आगे कह रहे हैं पिता ही तात देवता नाम अभी स्मृतम तस्मात्वत मत्यव करी श्रीराम कह रहे हैं पिता ही हितात् पिता ही देवता नाम अभी देवतम स्मृतम देव एवं देवता देव और देवता में कोई अंतर नहीं है देवों का देव ऐसे भी कह सकते हैं और देवों का देवता ऐसे भी कह सकते हैं तो इन्होंने यहाँ पर देव शब्द से स्वार्थ में जब तल प्रत्यय आएगा देवातल तो देवात शब्द बन जाएगा अर्थ वही रहेगा जो देव का अर्थ है वही देवता का अर्थ भी होता है तो श्री राम कह रहे है, हैं पिता देवता नाम अपनी देवतम स्मृतम पिता को तो देवों का भी देव कहा गया है देवतम एव पितुर पितुर्वचन करिष्यामि इसलिए आप मेरे लिए क्या हैं देवताओं के भी देवता हैं माने सबसे बड़े देवता हैं तो देवताओं की आज्ञा का पालन करना सभी को चाहिए ये श्रेष्ठ मनुष्यों की पहचान है असुरों का आज्ञा पालन ना करें हम देवों का आज्ञा पालन करें तो देव कौन कौन है तो वहां पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार जो एक विषय है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तो वहां पर उन्होंने देवता शब्द की व्याख्या की है महर्षि दयानंद ने पहले तो निरुक्त का निर्वचन करके उन्होंने बताया कि देवता किसको कहते हैं देवता किसको कहते हैं देवोदाना जो देता है उसको देवता कहते हैं क्या देता है देवता क्या देते हैं? क्या देते हैं देवता देवोदानाथ बोलो तुम्हारे से ही पूछ रही हूं ज्ञान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं और तो सुख देते हैं हम? सारे सब सबके पास नहीं होते जिस देवता के पास जो ऐश्वर्य है वो ही तो देगा सारे नहीं दे सकते तो जिसके पास जो जैसे आपको भी देव बनना है तो आप क्या दे सकते हैं धन तो आप दे नहीं सकते हैं आप क्या दे सकते हैं आप ज्ञान दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं सेवा दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं सद्भावना दे सकते हैं सर्वे भवंतु सुखी ने ये सद्भावना ही तो है देवों की तो देवो दानात देने से देवता बनता है तो आप देते हैं कभी किसी को कुछ यहाँ रहते हुए देते हैं सेवा देते हैं क्या सेवा देते हो आप कौन कौन सी से सेवा करते हो चिकित्सालय में सेवा करते हो कोई रोगी आते हैं तो ठीक है बहुत अच्छी बात और क्या देते हैं आप आप में से कोई देता हो कुछ पुस्तक देते हैं पुस्तक उठा के देते हैं अपने पास से क्या देना है वो बताओ ड्यूटी हो गई वो तो अच्छी बात है वो भी एक सेवा है वे पुस्तकें उठा के देते हैं और क्या देते हैं सम्मान देते हैं अपने से बड़ों को अच्छी बात है और क्या देते हैं वो सेवा है यज्ञशाला में लेपन करते हैं हवन कुंड को सजाते हैं वो भी सेवा सेवा देते हैं और क्या देते है? जो वो तो करते हैं।, तो भी हैं नहीं वो सेवा नहीं वो देना नहीं है ना वो तो आप ले रहे हैं देना क्या क्या देते हैं दिन भर अब जब खाना खाते हैं ना और भीड़ हो जाए कभी तो बोलो कि पहले आप ले लो तो ये आपने दूसरे को एक चांस दे दिया एक अवसर दे दिया या थोड़ी सब्जी है तो खुद थोड़ी ले लो या मत लो दूसरे के लिए छोड़ दो ये हो गया देना दान कोई ध्यान उपास न कर रहा है तो वहां शोर नहीं मचाना आहिस्ता जाना तो ये क्या हो गया सहयोग सहयोग देना तो देना चाहिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ कोई दुखी हो रहा है किसी को घर की याद आ रही है तो फिर फिर उसको अध्यात्म के बारे में बताओ उत्साह दिलाओ तो आपने क्या दे दिया उसको सद्विचार सद्भावना तो आप देवता बन जाएंगे देने से तो देवो दानाथ दूसरा कहा देवो दीपनाथ दीपनाथ मतलब प्रकाशित होना जो प्रकाशित रहते हैं वो देवता हैं तो आप प्रकाशित रहते हैं प्रकाशित रहते हैं? नहीं रहते हैं तो कैसे सूर्य से शुभ विचार से शुभ विचार से उत्साह से स्वास्थ्य स्वास्थ से ठीक है स्वास्थ्य का दीपक जलता रहता है रोगी नहीं होते हैं और ज्ञान हो गया ज्ञान याद रहता है वैसे जब व्यवहार करते हो तो ये ज्ञान याद रहता है कि नहीं पढ़ा हुआ याद रहता है तो देवता हो भूल जाते हैं तो दीपक बुझ गया तो फिर सामान्य मनुष्य असुर तो नहीं है खैर यहाँ कोई भी असुर नहीं है तो देवो दानात, देवो दीपनाथ दीपनाथ का मतलब प्रकाशित होना और देवो दोतनाथ दूसरों को प्रकाशित करना आपके माध्यम से दूसरे को कुछ ज्ञान मिले तो आप देव हैं और देवो द्युस्थानात देव उनको कहते हैं जो द्युलोक में रहते हैं धरती पे नहीं रहते हैं तो द्यु का मतलब क्या आप तो धरती पे रहते हो तो आप देव कैसे बनेंगे फिर देवो द्युस्थानात ऐसे बोला तो आप कैसे देव बनेंगे आप तो द्युस्थान में रहते नहीं है हु? अपनी चेतना का स्तर ऊंचा रखना हमेशा आपकी चेतना हमेशा जैसे ध्यान के समय आप कोशिश करते हैं ना चेतना को या तो आज्ञा चक्र में फोकस करते हैं या तो सहस्रार में या तो हृत चक्र में तो अपनी चेतना को ऊंचा रखना जब व्यक्ति ऊंची चेतना में होता है तो दूसरों के दोष आसानी से माफ कर देता है जैसे मान लो आपका बहुत अच्छा ध्यान लगा हुआ है आपकी चेतना सहस्रार चक्र में फोकस है या आज्ञा चक्र में फोकस है और फिर कोई आके शोर मचा दे या दरवाजा खटखटा दे या कुछ और डिस्टर्ब कर दे तो वो व्यक्ति आंख खोल के फिर कैसा रिएक्ट करेगा यदि वो ध्यान में था तो तुरंत आठ उठा के पिटाई करेगा क्या शांत ही रहेगा वो आंख खोल के देख तो लेगा और मूक भाषा में आपको कहेगा कि भाई आप यदि ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छा होता इतना ही रिएक्ट करेगा वो क्यों करेगा क्योंकि वो इस समय देनाथ ऊंची चेतना में है और यदि वो बैठा था बिचारा और उसके मन में विचारों का बबंडर चल रहा था उसकी चेतना निम्न स्तर पे ही थी और फिर कोई आ जाए तो फिर क्या करेगा तो फिर पहले उसी को निपटाएगा बोल ध्यान तो बाद में देख लेंगे आज तेरे से फैसला कर लेते हैं झगड़ा हो जाएगा उसी समय तो देवता बनने के लिए हमेशा क्या रहना होता है चेतना में अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना तो देव बन जाएंगे ऐसे अभ्यास करते करते तो एक तो ये देवता के लक्षण बताए फिर वहां पर बताया ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये धरती चंद्रमा वायु आकाश अग्नि ये सब देवता हैं जड़ देवता हैं ये क्योंकि ये।, ये भी देते हैं ना हमें धरती माता क्या देती है अन्न देती है जल देती है नहीं तो भूखे मर जाओ धरती माता ना दे तो क्या खाओ आश्रय दे रखा है धरती पे तो टिका हुआ है सब कुछ जितने भी सोर्स हैं हमारे सुख के साधन हैं उन सब का आश्रय धरती माता है आपके कितने भी सुख के साधन हैं गाड़ी है मोटर है सोफा सेट है मकान है अगर आधार ना हो भूकंप थोड़ी देर आता है ना तो सब इधर उधर गिर जाते हैं आपके संसाधन उल्टा पलटा आपका मकान है इतना सुंदर तो धरती माता ने अपनी पीठ के ऊपर सब को आश्रय दे रखा है तो देवता है ना धरती तो इसलिए सुबह सुबह उठ के श्रद्धे स्वामी जी महाराज क्या बताते हैं धरती माता को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए आठों अंग टिका के माथा भी टिका के माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या और इतनी बड़ी देवता है कि एक के बदले में सैकड़ों देती है हजारों देती है धरती में एक दाना डालें तो बदले में कितने देती है सैकड़ों दाने हजारों दाने तो ये दान देवो दानाथ ऐसे ही अग्नि ऊष्मा देती है प्रकाश देती है अशुद्धियों का नाश करती है आहार पकाती है तो अग्नि भी देवता है वायु प्राण देती है आकाश स्पेस देता है हमें अवकाश देता है सारी क्रियाएं आकाश में तो होती हैं आकाश नहीं हो तो ना बैठ सकते हैं ना चल सकते हैं ना कोई कर्म कर सकते हैं तो ये सब जड़ देवता बताए ये सब भी देवता हैं ये देते हैं हमें फिर फिर माता पिता गुरुजन ये चेतन देवता है माता पिता गुरुजन भी हमें देते हैं माता पिता हमें हमारा पालन पोषण करते हैं हमें अन्न वस्त्र देते हैं जीवन दान देते हैं माता पिता तो जीवन माँ माँ बाप से ही मिला गुरुजन हमें ज्ञान देते हैं तो ये सब क्या हैं देवता तो इसलिए श्री राम अपने पिता को क्या कह रहे हैं देवता नाम अपनी देवता देवों के भी देव हैं आप परम देव हैं क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत किससे हुई पिता देवता से पिता देवता नहीं तो जीवन भी नहीं तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं देवा नाम अपी दैवतम स्मृतम पिता ही निश्चित रूप से पिता देवों का भी देव होता है तस्मात दैवतम इति एव पितुर्वच करिष्यामि। तो इसलिए आप मेरे परम देवता हैं, इसलिए आपके वचन का पालन आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा तो देखो बातों से भी ना शब्दों में भी एक शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है कुछ है, शब्दों की शक्ति बहुत ऊंची पावर को लिए हुए होती है कुछ शब्द मध्यम कोटि की पावर वाले होते हैं कुछ शब्द निम्न कोटि की शक्ति रखते हैं तो आप कैसा संबोधन करते हैं किसी को वैसी एनर्जी आपके अंदर वैसी वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे जब आप अपने पिता को या गुरुजनों को अपने मन में ये भाव रखेंगे उनके प्रति या बोलेंगे आप ऐसे कि आप तो हमारे देवों के भी देव हैं बोलते समय आपके अंदर जो वाइब्रेशन हारमोन्स पैदा होंगे और सुनने वाले के अंदर जो पैदा होंगे जो संवेदन तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे और उन दोनों से दोनों का एनर्जी मिलेगी और जब आप एक कहें कि आप क्या हैं आपने क्या किया हमारे लिए किया ही क्या है हमें पता है आपका कैसा जीवन है तो ऐसा बोलने से आपके अंदर कौन सी शक्ति पैदा होगी निम्न होगी तो हो नहीं सकते आप और सुनने वाले के अंदर भी कैसी शक्ति पैदा होगी वैसी ही होगी लो पावर होगी इन शब्दों की तो परिणाम क्या होगा दोनों दुखी होंगे सुनने वाला भी और बोलने वाला भी तो शब्दों की भी अपनी शक्ति होती है स्वामी विवेकानंद ने वहां अमेरिका में जाके क्या बोला था भाई और बहन कह के तो संबोधन किया था तो ऐसे तो कोई था नहीं बहुत बड़ा शब्द तो था नहीं कोई लेकिन क्योंकि हर शब्द की ये शब्द बोलते ही बोलने वाले के मन में कौन सी एनर्जी पैदा हुई अपने पन की, कि ये मेरे ही है और सुनने वालों के अंदर भी क्या पैदा हुआ कि कोई है जो हमें अपना मान रहा है भाई बहन कह रहा है विदेश से आकर के भी तो ये ऐसे ही होता है इसलिए शब्द भी व्यक्ति को कैसे बोलने चाहिए ऊंची चेतना वाले बोलने चाहिए ऊंचे शब्द बोलने चाहिए किसी को सम्मान देने वाले संबोधन करने चाहिए तो फिर उस व्यक्ति को यदि वो व्यक्ति आपके अनुकूल आचरण नहीं भी कर रहे तो कर देगा आपके ऐसे बोलने से तो एक दिन मैंने सुनाई थी ना आपको कहानी की सब सब का जो है वो वाणी में परिचय छिपा हुआ होता है आपको सुनाया था किसी और को सुनाया था नहीं। आपको नहीं सुनाया कोई एक सूरदास व्यक्ति जंगल में जाके बैठी थी उनको दिखाई नहीं देता था वो तपस्या कर रही थी तो एक राजा भी उस दिन जंगल में गए थे और वो अपने लोगों से बिछुड़ गई तो पहले उनका सिपाही गया उनके पास उन्होंने पूछा कि आपने राजा को देखा है वो कुछ नहीं बोले सूरदास फिर उनके सेनापति गए उन्होंने भी पूछा फिर भी राजा कुछ नहीं वो महात्मा जी कुछ नहीं बोले फिर तीसरे नंबर पे उनका मंत्री गया उन्होंने भी पूछा राजा के बारे में कुछ नहीं बोले फिर लास्ट में घूमते घूमते राजा भी पहुंच गए उनके पास तो फिर उस सूरदास व्यक्ति ने कहा अच्छा राजा साहब आप आ गए आपके लोग आपको ढूंढ रहे हैं तो राजा को आश्चर्य इसको दिखाई तो देता नहीं है इसने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? इसको तो कुछ भी नहीं दिखता है तो उन्होंने पूछा कि कि आपको कैसे पता लगा कि मैं राजा हूं और मेरे ही व्यक्ति ढूंढते हुए आपसे पूछ के गई हैं आपको कैसे पता लगा तो उन्होंने कहा आप तो देख नहीं सकते तो उसने कहा मैं देख तो नहीं सकता हूं पर अंत प्रज्ञा से हर व्यक्ति का परिचय उसकी वाणी में छिपा हुआ होता है आपका पहले एक व्यक्ति आया और उसने आते मेरे से पूछा ओ अंधे राजा को जाते देखा क्या तुम्हें तो पहचान गए ये जरूर कोई सिपाही होगा फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया तो उसके शब्द थोड़े से संयमित थे सधे हुए थे लेकिन अधिकार की भावना थी तो मैंने सोचा कि जरूर यह सेना का सेनापति होगा फिर तीसरा व्यक्ति आया तो उसके शब्दों में सम्मान भरा हुआ था उसने सम्मान सूचक शब्दों में मेरे से पूछा तो मैं समझ गया कि ये जरूर कोई मंत्री होगा राजा के यहां कोई वजीर होगा अभी आप आए तो आपने पहले मेरे पैर छुए और मुझे दिव्य आत्मा कहकर संबोधन किया तो मैंने समझ लिया कि जरूर ये राजा होगा क्योंकि इतनी योग्यता तो किसी राजा में ही हो सकती है ऐसा व्यक्ति ही राजा बनने के योग्य होता है तो हर व्यक्ति का परिचय कहाँ छिपा है उसके संबोधन में उसके व्यवहार में वाणी में तो यहाँ श्री राम को आशीर्वाद क्यों ना मिले जब वो अपने पिता को उस पिता को जिन्होंने श्री राम को राज्य के बदले में वनवास दिया उस पिता को भी क्या बोल रहे हैं देवता देवता नहीं देवताओं के भी देवता तो उस व्यक्ति को आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा आपको जो व्यक्ति डांट दे उस व्यक्ति को भी आप इतना सम्मान दे पाए तो फिर आपको सम्मान देने से या प्रीति देने से कौन रोक सकता है सबका मिलेगा फिर लेकिन मिलता कहा कब है देने से ही मिलता है व्यक्ति लेना तो चाहता है हर व्यक्ति लेना चाहता है लेकिन मिलता कब है शुरुआत कहां से करनी होती है देने से करनी होती है पहले अपने से देना होता है हमेशा शुरुआत अपनी तरफ से करनी होती है फिर मिलता है दूसरी तरफ से सामवेद का मंत्र है देही में ददामी ते न में दे धरती माता का मैंने अभी उदाहरण दिया धरती माता कितना देती है एक के बदले में सैकड़ों हजारों लेकिन कब देती है जब पहले आप देंगे धरती को आप एक बीज बोएंगे तो सैकड़ों देगी हजारों देगी एक भी बीज नहीं बोया तो एक भी नहीं देगी तो देने की शुरुआत हमारे पास एक बीज है ना तो एक तो दे तो बदले में तो हजारों मिलेंगे तो हमारे पास यदि इतना सा ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए उतना सम्मान तो दें किसी को जितना हम जानते हैं किसी के बारे में ठीक है तो बड़ों के बारे में उनकी महिमा को हम ज्यादा तो नहीं जान सकते हैं हम क्या दे सकते हैं उनको लेकिन जितना जानते हैं उतना तो दे हम तो भगवान को क्या दे सकते हैं हम भगवान की महिमा को जानते ही नहीं है हम तो सामान्य प्राणी हैं पर जितना जानते हैं उतना तो दें उतना तो सम्मान करें उसकी सृष्टि का उसके रित नियमों का उसके बनाए हुए का उसकी बनाई हुई सृष्टि का जितना जानते हैं उतना तो करें उतना तो खराब ना करें कम से कम तो फिर हमें एक के बदले में हजारों मिलता है तो श्री राम के संबोधन कभी भी आप देखेंगे पूरी रामायण में कभी भी किसी भी व्यक्ति को उन्होंने लोअर कॉन्सियस वाले संबोधन कभी भी नहीं किए किसी को भी छोटे को बड़े को बड़ों को तो वो बहुत ही सम्मान से संबोधन करते हैं माता पिता गुरुजनों को तो पर जो उनके भाई हैं छोटे भरत को लक्ष्मण को आप कभी भी देखना वो कभी भी हल्के शब्दों का संबोधन नहीं करते हैं। जैसे व्यक्ति अपने जीवन के कुछ वो बना लेता है ना वसूल बना लेता है मेरे जीवन का यह उसूल है मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी हो जाए मेरे जीवन का यह उसूल है मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा मेरे जीवन का यह उसूल है मैं कभी बड़ों के सामने नहीं बोलूंगा ऐसे व्यक्ति कुछ अपनी मर्यादा ही बना लेता है तो श्री राम के जीवन की ये मर्यादा है ये असूल है उनके जीवन का कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को हल्के शब्दों से संबोधित नहीं करते हैं कितनी बड़ी बात है देखो सीखने जैसी बात है ना चाहे कोई हमारा अपकार भी क्यों ना कर दे तो भी उसके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना बहुत बड़ी बात है ये और इन छोटी छोटी बातों से ही जीवन महान बनता है सामान्य सामान्य बातें हैं ये हम कई बार तो क्या करते मजाक मजाक में हल्के शब्द बोलते हैं जैसे कोई किसी का दोस्त है तो वो अपने दोस्त को ऐसे ही बोलता रहता है हल्के शब्दों में उसको लगता है ये तो मेरा ही दोस्त है मैं कुछ भी बोलूं इससे तो प्रीति बढ़ती है लेकिन नहीं जो जागरूक व्यक्ति है वो बोले वो सोचेगा कि ये भी एक आत्मा है और जब मैं इसको ऊंचे शब्दों से संबोधित कर सकता हूं तो मैं हल्के शब्दों का प्रयोग क्यों करूं कंजूसी क्यों करनी चाहिए जिसके पास धन है उसको तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए तो जिसके पास शब्दों का धन है उसको शब्दों का खर्च करने में कंजूसी क्यों करनी चाहिए अच्छे से अच्छे शब्द हैं तो वही प्रयोग करें ना तो यहाँ पर इस एक शब्द के संबोधन पे मैंने आपको इतनी बातें बताई श्री राम कह रहे हैं हे तात, आप तो मेरे लिए देवों के भी देव हैं इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है तो मैं करूंगा तस्मात देवम इति एवं करीश्यामी पितुर्वचन पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भर्ताय दीयताम् अहं निदेशं भवतु पालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम् फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरेश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचेत्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्तिः एवं स व्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताप्यमानः आलिङ्गपुत्रं सुविनाश्च सञ्जो मोहं गतो नैवचिचेष्ट किञ्चित् दैव्यस्त सन्दु समेताजयि नरदेवपत्नी रुदन सुमंत्रो जगाम मूर्छा हाहा तत्र बभूव पुरम च राष्ट्रम च मही च केवला मया सृष्टा भरता यदि ताम श्री राम कह रहे हैं मया सृष्टा मेरे द्वारा विशेष रूप से विसृष्टा जिसका विविध प्रकार से सृजन किया गया है बहुत ध्यान रखते थे अपने नगर का श्री राम तो कब कहाँ क्या क्या कहाँ पेड़ पौधे लगाने हैं कहाँ प्राचीर बनानी है कहाँ दीवार बनानी तो कह है तो इसलिए कह रहे हैं राष्ट्रम च मैंने इस अयोध्यापुरी को और अपने साम्राज्य को विश्रष्टा विशेष रूप से इसका सृजन किया है और महीचय और इस धरती माता का